आमेर एक 4 वर्ग किलोमीटर में फैला एक शहर है जो कि राजस्थान के जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आमेर फोर्ट ऊंचे पर्वतों पर बना हुआ है। जयपुर क्षेत्र का यह एक मुख्य पर्यटन क्षेत्र है। असल में आमेर को मीणाओं ने बनवाया था और बाद में यहाँ पर राजा मानसिंह प्रथम ने शासन किया। आमेर का किला हिंदू कला के लिए प्रसिद्ध है। किले में बहुत से दर्शनीय पथदीप, दरवाजे और छोटे तालाब बने हुए हैं, परंतु आमेर किले में पानी का जो मुख्य स्रोत है वो मावटा झील है। आमेर के कलात्मक माहौल को हम उसकी दीवारों में देख सकते हैं जो लाल पत्थर और मार्बल से बनी हुई है। किले में आंगन भी बना हुआ है। किले में दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल और जय मंदिर, सुख मंदिर भी बना हुआ है, जहां हमेशा ठंडी और ताज़ी प्राकृतिक हवाएं चलती रहती हैं। इसीलिए आमेर किले को कई बार आमेर महल भी कहा जाता है। इस महल में पहले राजपूत महाराजा और उनका परिवार रहा करता था। किले के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर चैतन्य पथ की देवी शीला देवी का मंदिर है, जो कि राजा मान सिंह को दिया गया था जब उन्होंने 1604 में बंगाल में जयसोर के राजा को पराजित किया था। फिलहाल जयसोर बांग्लादेश में आता है। जयगढ़ किले के साथ ये महल चील का टीला के ऊपर ही स्थापित किया गया है। आमेर महल और जयगढ़ किले को एक ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है, क्योंकि दोनों ही एक गुप्त मार्ग से जुड़े हैं। युद्ध के समय इस मार्ग का उपयोग शाही परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने में किया जाता था। इन्हें गुप्त रास्ते से आमेर किले से निकालकर जयगढ़ किले में ले जाया जाता था। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार रोज 5000 पर्यटक इस किले को देखने आते थे और इनके अनुसार 2007 तक यहाँ तकरीबन 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा पर्यटक आ चुके हैं। 2013 में कोलंबिया के फनोपन में ली गई 37वीं हेरिटेज मीटिंग में आमेर किले के साथ ही राजस्थान के 5 और किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, कछवाहा के समय आमेर एक छोटा महल था जिसे मीणाओं ने बनवाया था। उन्होंने इस महल को उनकी मातृ देवी गट्टा रानी के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि वास्तव में इस किले का निर्माण 967 CE में राजा मानसिंह जी ने करवाया था। आमेर के कछवाहा राजा राजा मानसिंह के शासनकाल में इस किले का निर्माण किया गया था और साथ ही कलाकृतियां भी दी गई थी। इनके जाने के बाद जय सिंह फर्स्ट ने भी आमेर किले पर बहुत समय तक राज किया, जब तक कि कछवाहा अपनी राजधानी को जयपुर में स्थानांतरित कर पाए। आमेर का नामकरण अंबा माता से हुआ था, जिन्हें मीणाओं की देवी भी कहा जाता है। आमेर किले की आंतरिक सुंदरता में महल में बना शीश महल है जो सबसे बड़ा आकर्षण है। राजपूतों के सभी किलों और महलों में आमेर का किला सबसे रोमांचक है। आमेर किले की परछाई मावटा झील में पड़ती है जो एक चमत्कारिक परियों के महल की तरह दिखाई देती है। किले का सबसे बड़ा आकर्षण किले के नीचे है, जहां हाथी से आपको आमेर किले में ले जाया जाता है। हाथी की सवारी करना निश्चय ही सबको आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये था आमेर का इतिहास। अब आइए मैं आपको देता हूँ एक गाइडेड टूर आमेर का। तो चलते हैं आमेर के अंदर। आमेर में जाने के दो रास्ते हैं। पहला, जो कि इसके फ्रंट में होता है, जहाँ से आप चढ़ाई करके ऊपर चढ़ सकते हैं, और दूसरा रास्ता जहाँ से मैं जा रहा हूँ, जहाँ से आप अपनी गाड़ी में ऊपर की तरफ जा सकते हैं डायरेक्टली। 1.5 किलोमीटर का रास्ता है ये ऊपर का। यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है आमेर का पीछे का रास्ता, जिसे
चंद्र द्वार भी कहा जाता है। यहाँ दो द्वार हैं, ये पीछे का द्वार जो कि चंद्र द्वार कहलाता है और एक सामने का द्वार जो कि सूरज द्वार कहलाता है। इन दोनों द्वारों के बीच में जो आप ये बड़ा सा चौक देख रहे हैं इसे जलेब चौक कहा जाता है। कहा जाता है कि पहले के समय में यहाँ पर राजाओं के घोड़ों को बांधा जाता था, यानी यहाँ पर राजाओं के घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था और उनके सेनाएं भी यहीं पे अपना कार्य किया करती थी। आमेर के चंद्रपोल द्वार पर एक नगाड़ा रखा गया है जिसे राजा के आने पर बजाया जाता था। इस नगाड़े के साथ 9 तरह के ब्रास के इंस्ट्रूमेंट भी बजाए जाते थे जिसमें शहनाई, बांसुरी, जान, मंजीरे ये सब बजाकर राजाओं का वेलकम किया जाता था। चंद्र द्वार के पास ही टिकट घर बना हुआ है जहां से हमने एंटर किया था। लॉकडाउन से पहले यहां का जो टिकट था वह 100 रुपये प्रति व्यक्ति था, पर लॉकडाउन के बाद यहां पर पर्यटक कम आने लगे हैं और इसीलिए अब यहां के टिकट का जो दाम है वो 50 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। राजाओं के समय में ये जो जगह आप देख रहे हैं इस जगह पर घोड़ों को बांधा जाता था, यानी घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, लेकिन अब इसे गलियारा बना दिया गया है जहाँ पर लोग बैठा करते हैं। और यहीं पे लगा है टिकट घर की एंट्रेंस फीस के बारे में। तो दोस्तों मैंने अभी एक गाइड हायर किया है और अब आइए उससे बात करते हैं और जानते हैं इस मॉन्यूमेंट के बारे में कि इसका क्या इतिहास है और क्या खास बात और क्या रोचक बातें इसके बारे में हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। मानसी ने 1590 महल बनाना शुरू किया। ये अकबर के सेनापति बने ना, जोधा का जब शादी अकबर से हो गया तो राजपूतों के मुगल से एक अलायंस हुआ, समझौता। ये राजा बने उनके आर्मी कमांडर। तो जहाँ भी ये लड़ने जाते हैं जगह होते मुगलों की खजाना मिलता है इनको, उसी के जगह महल बना। तो मानसी जो अकबर के लिए फर्स्ट बार लड़ने गए, आज का बांग्लादेश है, जहाँ पर आया जयसोरी जगह, तो वहाँ के राजा केदार को आया, वहाँ से मूर्ति लेके काली की शिला के रूप में समुद्र में बढ़ते, सबने में दर्शन दिए माँ काली ने। मानसी पहली बार तो हार गए थे, रात को जो दर्शन दिए वो उनको हराने का तरीका, क्योंकि उन्होंने मेरे को फेंका समुद्र में, आप ले जाके अपने महल में रखोगे तो आप कभी भी नहीं हारोगे, और मेरे को रोजाना बलि चाहिए। तो मानसी ने उनको वचन दिया कि रोजाना आपको बलि मिलेगी, तो आगे मूर्ति काली की मूर्ति बना के ब्लैक स्थापित कराए फिल्टी लाइन की। जब से लेकर आज तक एवरी मॉर्निंग में एक बकरे का बलि डेली होता है, अभी भी होता है, अभी भी होता है। तो वो जो बलि है 1981 से जो जाली वाली देखे मिट्टी की, इस तरीके से जो मॉर्निंग में ओपन हुआ थी, लेकिन एनिमल एक्ट आया 1981 में तो ओपन का बलि बंद कर दिया। महल के बारे एक बलिदान गेट बना रखा है, वहाँ आज बलि होती है एवरी मॉर्निंग, ऐसा ही बकरा लाता है, बलि होने के बाद वहाँ को बलि का भेंट करके खुला। तो जब भी खुलेगा वो बलि डेली होगी, डेली सुबह मॉर्निंग बलि होगी आज भी, और ये बलि होती राजा की तरफ। मंदिर राजा के पास 200 मंदिर, झगड़ का किला और सिटी पैलेस, आज भी राजा के पास सिटी पैलेस में भी हमारे कोटवाला मंदिर राजा का ये जाएगा और सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस ही राजा के ही है, आज भी राजा के। बाकी अदर प्रॉपर्टी जब आजाद देश आजाद हो तो 1961 में वो जो एक्ट बना था जैसे मन करने का, इसके बाद सरकार ने खाई रियासत में बाकी सारे प्रॉपर्टी ले ली, बाकी दो छोटे छोटे रहती तो निकले जाएगा पूरे मंदिर। दोस्तों ये शीला देवी का मंदिर है, इसकी वीडियोग्राफी करना मना है और बंद होने के कारण हम इसकी वीडियोग्राफी वैसे भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो इसका ये दरवाज़ा है ये पूरा चांदी का बना है और इसमें आकृतियां भी बनी हैं, और इसी के साथ जो इसका द्वार है ये पूरा संगमरमर का बना है और इस पर नक्काशी भी की गई है। आमेर की शीला देवी के मंदिर के ऊपर गेट पर जो गणेश जी की मूर्ति लगी है वह एक दुनिया का सबसे बड़ा एकल मूंगा, यानी जो मूंगा स्टोन होता है बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसका बना है। मूंगा रत्न को तराश कर बनाया गया ये मूरत, 8.5 किलो का मूंगा रत्न से बना गणेश जी का मूरत है। मोबाइल नंबर और नाम बता दो उनको। कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन नोट करके और आपको सैनिटाइज करके आपका टेम्परेचर नाप कर सिंह पोल पोल में दुर्गा सिंह का राजा टैंक था, क्योंकि सिंह पावर का सिंपल मजा था शक्ति का प्रति, उसी नाम से गेट पर दिया सिंह पोल नाम। गेट का लकड़ी 16 सेंचुरी का थी, ताला भी 16 सेंचुरी का, बट आज वर्किंग में है, हर गेट में आपको इस तरह के देख ताले देखने को मिलेंगे, आज भी खुलते और बंद होते हैं। अच्छा,
तो उस जमाने राजा लोग आते थे बड़ा। यहाँ ऊपर की तरफ आने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दीवाने आम बना है। यहाँ राजा अपने प्रजा की फरियादें सुनते और उसे पूरा किया करते थे। और यहीं दूर पहाड़ पर जो आप दीवारें बनी देख रहे हैं, यहाँ पर छोटी छोटी छतरियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर राजाओं के सैनिक पहरा दिया करते थे और कुछ घटना होने पर ढोल नगाड़े बजाकर राजा को संदेश दिया करते थे। यहाँ दीवाने आम में जो 16 पिलर्स हैं वो मार्बल के बने हैं और आगे के जो लाल पिलर्स हैं वो करौली से लाए गए पत्थर के बने हैं। जहाँ हम अभी खड़े हैं उसके नीचे एक बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है, करीबन 50 फीट गहरा, क्योंकि महल पहाड़ों पर बने हुए हैं और यहाँ पर पानी की सुविधा के लिए पूरे महल के बरसाती नाले इस टैंक से कनेक्टेड हैं। और मानसून के 4 महीने बारिश होती है, जब ये सारा पानी छन कर फिल्टर होकर इसके नीचे जमा हो जाता था और उस टाइम में भी पानी को फिल्टर करने के लिए कॉल, कंक्रीट और मिट्टी की 3 परतें जमाई जाती थीं, जिससे छन करके पानी यहाँ पर जमा होता था और बिल्कुल प्योर होता था। और इस जगह को बोला जाता है 27 कचहरी। यहाँ एक लाइन में 3 ब्लॉक बने देखे जा सकते हैं और इस पूरी जगह में कुल 27 ब्लॉक बने हैं। आज का राजस्थान 31 डिस्ट्रिक्ट का है और पहले के टाइम में 27 रियासतें में बटा हुआ था, इसीलिए 27 जगह के अलग अलग रियासतदार यहाँ आते थे और एक एक ब्लॉक में बैठा करते थे और राजा को यहाँ पर बैठकर उस टाइम के टैक्स रेवेन्यू का लेखा जोखा देते थे, इसीलिए इसे 27 कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये है दोस्तों केसर बगीचा, इसे केसर क्यारी भी कहा जाता है। राजा के टाइम पे यहाँ केसर उगाने की कोशिश की गई। एक बार राजा कश्मीर घूमने गए और वहाँ केसर के बाग देखे और उन्होंने यहाँ उसे उगाने की कोशिश की। केसर ठंडी जगह पर उगाई जाती है, इसीलिए यहाँ झील बनवाई गई ठंडक करने के लिए। कश्मीर डिज़ाइन का बगीचा बनाया गया, काला मिट्टी लाई गई और केसर के पौधे भी लगाए गए, लेकिन गर्म वातावरण होने के कारण केसर उगाने में सफल नहीं हो पाए। यहाँ जोधा अकबर और बाजीराव मस्तानी की शूटिंग भी की जा चुकी है। ये तो असल जमाने के टॉयलेट मॉडल्स आज बनाते हैं, पर यूरोपियन स्टाइल में। तो जमाने में यूरोपियन स्टाइल तो थी, इंडियन स्टाइल इस तरीके से हुआ करती, पेपर वाले बनाते हैं, ढाल वाले यूज है। ये राजा लोगों के नहाने की जगह, इसको अरेबिक लैंग्वेज में बोलते हैं हम्माम। हम्माम इनसे मैं स्नान कर तो नहाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है पानी गर्म और ठंडा, सर्दी में गर्म गर्मी ठंडा। अब उस जमाने में गीजर वगैरह थे नहीं, गर्म कैसे करते, वो चीज देखे टेक्निक था। कॉपर पाइप देख रहा सामने, उसके थ्रू स्टोरेज टैंक में पानी आके इसमें इकट्ठा होता, इसी में गर्म पानी के टैंक के लिए पानी इधर भेजते। गर्म पानी का टैंक का जो बेस देखेंगे सर, राउंड इसमें नीचे करेंगे कॉपर सीट, बाहर इसलिए बना रखा है चूल्हा जिसको अपन भट्टी बोलते हैं, भट्टी में लगाते यार सीट गर्म पलो पानी गर्म, तो जमाने का बन गया गीजर बिना बिजली वाला था, उधर से दक्षिण में रहा ठंडा पानी बाहर आता, ठीक है सर। दोनों तरफ नालियों का पानी आके मिक्स होकर इस जगह इस वाले नाले में, अच्छा, और नाले का पानी जाके मिक्स होकर जमाने का बनवाओ बाट का जसो दी करके बाट का भसो दी रिक्वायरमेंट के लिए ताजो में पानी भर जाता। जालियां की हवा रोशनी के लिए, छोटे वाले घर में रखते हो जमाने तेल के लिए रोशनी के लिए, तो लाइट नहीं थी साहब। और ये जो इधर देख रहे हैं और जिसमें था इस तरह का पानी भरा रहता था इसमें, हाँ सर। खुशबू भी आती और रानी खड़ी होकर बाल सुखाया करते हैं, यहाँ तो मालिश होती थी, वहाँ कपड़े बदले जाते थे, यहाँ कपड़े बदलने जाते थे। दीवाने का शीश महल, और इसको देखने बड़ा बढ़िया बात है, शीश महल शीशे बेजिंग से लाए,
और इनको सिल्वर की कोटिंग कराई। हमारे गाइड ने बताया कि ये जो शीशे हैं ये बेल्जियम से लाए गए और इन पर सिल्वर की कोटिंग कराई गई। शीश महल आमेर के किले का आकर्षण है। इसमें कई दर्पण घर हैं। इसका निर्माण इस तरह करवाया गया है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण बाहर से महल में प्रवेश करेगी तो दर्पण से पूरे हॉल में प्रवेश करती है और हॉल में एक प्राकृतिक प्रकाश हो जाता है। इसी तरह रात में जब दिए जलाए जाते तो दियों की रोशनी इस तरह प्रतीत होती कि मानो हजारों लाखों तारे महल में आ गए हों। इसी तरह महल में बनाई गई चित्रकारी और नतकाशी और मार्बल पे किया हुआ काम सच में सराहनीय है। अभी आप देख रहे हैं फुल आपको दिख रहा है बटरफ्लाई फ्लावर, लेकिन एंगल से देखें तो अलग अलग चीज बन जाए। कैसे? पूरा बटरफ्लाई, लेकिन बटरफ्लाई को इतना प्रेस कर दिया सर आपने, बन गई सेकंड थिंग हनी बी मधुमक्खी जैसे। जितना देखने पर बनेगा एंड डियर फेस हिरन जंप लगाता हुआ हिरन, ऐसे देखोगे तो मक्खी तेज रहेगी। और मक्खी की तो आँख देख रहे काली वाली, ये भी मार्बल की बनाई, कलर पेंट की नहीं। इतनी बारीक आँखें उस जमाने में हाथों से बनाई, आज इतनी बारीक आँखें मशीन नहीं बना सकते। ऐसे काम की उस जमाने में मजदूरी मिला करती, वेजेस कितना, एवरीडे वन पैसा ओनली। और आज हजारों लाखों रुपये ऐसी कला पोसी बन लेंगे सर, इसीलिए जहाँ बोलते ऐसा देखें एलिफेंट ईयर्स, ऐसा देखें चीटी, ऐसा देखें पूरा फूल दिख रहा है सर आपको, जितना देखें टेल ऑफ फ्लोएंस जैसा नजर आएगा। देन आफ्टर यू लुक एलिफेंट टस्क, देन आफ्टर यू लाइक दिस टाइम लुक लाइक ए फिश, देन आफ्टर यू लुक लुक स्कॉर्पियन होता ना खकड़ा, ऐसे देखेंगे तो आपको नाग नागिन का जोड़ा देखने का नजर मिलेगा। पूरा देखेंगे तो आपको देख रहे हैं फूल बिच्छू से ऐसे डिजाइन बना बना के राजा लोगों को दिखाते, राजा खुशों पर इनाम देता। महल के सामने जो बगीचा दिख रहा है उसे कहते हैं मुगल बाग। इसे मुगल बाग के नाम से भी जाना जाता है। मुगल हर चीज़ को चार बागों में बांट देते थे, इसलिए इस बाग को भी चार बागों में बांट कर बनाया गया है। मुगल बाग में बीच में जो चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पर नृत्यकियाँ डांस किया करती थीं और राजा रानी बैठ कर यहाँ पर उन्हें देखा करते थे। इसी तरह जोधा अकबर मूवी का गाना कहने को जश्न बहारा है यहीं फिल्माया गया था। बागीचे के सामने की जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजा लोग गर्मियों में आराम किया करते थे, इसीलिए इसे सुख मंदिर कहा जाता है। इस जगह की बाहरी दीवारों पे जो कड़ियाँ लगी हैं उस पर घास और टाटी के पर्दे लगा दिए करते थे और ऊपर से पानी आता और बाहर की हवा उसमें से गुजरती और अंदर ठंडक हो जाती। गर्मी में आराम करने वाली जगह को कहते हैं सुख मंदिर। आप जानते नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि भाई पूरा देखने के बाद आप खुद कहेंगे भाई सर मजा है आपके साथ। ये सराउंडिंग गैलरी बनी हुई सर, चारों तरफ रानी भी जाने आने के लिए, क्योंकि राजपूत रानी के पर्दे के ऊपर होते थे, दूसरा आदमी का चेहरा नहीं देखेंगे। तो जगह दिख रही सर अप टू डाउन है, अब हवा रोशनी आ जाए। मान सिंह द्वारा बनाया मान सिंह महल। अच्छा, मान सिंह की जो 12 क्वींस 12 रानियां, अब आप लोग कहेंगे हिंदू कल्चर में बांधा रानी कहाँ से आ गई, क्योंकि अपने हिंदू कल्चर में एक शादी अलग है। व्यासा पत्नी जो राजा की लीगल वाइफ थी वो तो कह रहा थी पटरानी जिसने बैठा नाग से बनता तो वो तो रहता राजा के साथ ऊपर, बाकी सब थी युद्ध में जीती हुई रानी, क्योंकि लड़ाई के बाद वो राजा मर गया, रानी हो गया के लिए तो बिल्कुल रखवाले नहीं थे। उन रानी को ला के रखता मानसिंह अपने मिले, ऐसे उनकी 12 रानियाँ थी। यह इस महल का सबसे ओल्डेस्ट पॉइंट है जो कि सबसे पहले बनना शुरू हुआ। इसे महाराजा मानसिंह जी ने बनवाना शुरू किया था, इसीलिए मानसिंह महल कहा जाता है। उस टाइम में मानसिंह जी की 12 रानियां थीं, राजा की ब्याहता पत्नी को पटरानी कहते थे और बाकी सब युद्ध में जीती हुई रानियां थीं। 12 रानियों के लिए 12 अलग अलग रूम्स बनवाए गए और किसी को कोई परेशानी ना हो इसीलिए सबका दरवाज़ा भी अलग रखा गया। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग दरवाजे बने हैं और इसे ऐसी व्यवस्था से बनवाया गया था कि राजा जिस भी रानी के रूम से निकलता है तो दूसरी रानी पता नहीं चलता कि वो कहाँ से निकल रहे हैं, इसीलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी।
और बीच में जो ये बना हुआ आप देख रहे हैं इसे कहते हैं बाराधरी। यहाँ पर रानियाँ अपना मनोरंजन करती थी, बीच में पटरानी बैठा करती थी जो कि राजा की ब्याहता पत्नी थी जिसके लिए सिंहासन लगाया जाता था, बाकी रानियाँ नीचे बैठा करती थी और उस समय की खेल क्रियाएँ किया करती थी और नृत्य वगैरह किया करती थी। ये गोली हुए बच्चे हैं सर, इनसे पहले वाले बच्चे के नाना राजा हुआ करते, राजा भवानी सिंह, इनके खुद के बेटा नहीं था, डॉक्टर के बेटे को अडॉप्ट किया, जो डॉक्टर है दिया कुमारी जो अभी करंट में है, डॉक्टर है नहीं, ये डॉक्टर थी इनके खुद की बच्ची, तो अभी ये MP है, राजसमंद से पहले सेवाएं मधुबनी से थे, इनके बेटे को भजननाथ की गोद लिया, गोद राजकीय खत्म हो गए, अभी करंट में नानी यानी बच्चे के नानी बेटी और नाती तीन मेंबर राजपरिवार कर रहे थे सिटी। ये है राजमाता गायत्री देवी की फोटो जो आपको बताया मैंने, सब सुंदर लड़ी हुआ करती थी, अभी सब बुक्स वगैरह हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह लेकिन अभी बंद पड़ा है। ये तो वो शूटिंग वाले रखे गए, हाँ सब ये इमरजेंसी एग्रीगेट करना है लेकिन सब हर पार्ट ऑफ सीढ़ियाँ बनी हुई है, अटैक किया किसी राजा ने दूसरे मैंने हारने की नौबत आई तो मेरे की सीढ़ियों से हमारा तो जब क्लियर है सेना भी जा रही है और राज लोग आर्मी लोग से पहुँचे राजनी राज्य ये जो बड़ी काली कढ़ाइयाँ आप देख रहे हैं ये जोधा अकबर की मूवी की शूटिंग के बाद फिल्म वालों ने यहीं छोड़ दी। यहाँ पर एक आर्ट गैलरी भी है और यहाँ पर महल में पहले रसोई घर हुआ करते थे जहाँ पर अब मीना बाज़ार बना दिया गया है। इस मीना बाज़ार में काफ़ी दुकानें हैं जहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। यह जो बड़ा मिट्टी का मटका आप देख रहे हैं ये 16th century का है जिसे भरकर ज़मीन में गाड़ दिया जाता था जिससे कि इसके अंदर का पानी ठंडा रहता था। और दोस्तों इसी के साथ 1135 AD में आमेर महल में बना रेस्टोरेंट रॉयल एक्सपीरियंस जहां आप महल में रॉयल अंदाज में राजस्थानी राजपूताना कुजीन का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां इंडोर और आउटडोर बैठक बनी है जहां रॉयल स्टाइल से आप अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आमेर का इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक बातें और एक गाइडेड टूर। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं आशीष वाधवानी आपके लिए जयपुर शहर के बारे में और वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।